फ्रेंड्स, मनसुख हिरेन डेथ केस में आप लोगों ने देखा कि कल किस तरह से प्रदीप शर्मा को अरेस्ट किया गया। हालांकि इस मामले में क्लैरिटी आ गई है कि हत्या किसने की और किसके कहने पर की गई, लेकिन अब जो बड़ी खबर आ रही है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही है कि थाने के डॉक्टर्स पर अब नज़र बनाए हुए NIA, वजह है जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट दी गई थी उसमें सस्पिशन दिखा था NIA को, और उसी के चलते NIA ने पोस्टमार्टम की रिपोर्ट को सेकंड ओपिनियन के लिए भेज दिया है और रिपोर्ट की वेट कर रही है। माना जा रहा है कि सचिन वाजे, प्रदीप शर्मा और कई लोगों के चलते पोस्टमार्टम में धांधलेबाजी की गई है। वजह है जब मनसुख हिरेन की बॉडी पाई गई थी तो मुंह में हैंडकरचीफ्स थे, और बाद में जब रिपोर्ट आई तो उसमें ये कहा गया कि लंग्स में मड है, और उसी के चलते एक सस्पिशन बना और NIA ने अब इस मामले में सेकंड ओपिनियन के लिए रिपोर्ट भेज दी है और थाने के डॉक्टर्स अब NIA के रडार पर हैं। ये ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। कपल ऑफ डॉक्टर्स ऑफ थाने आर अंडर द स्कैनर ऑफ द अलेज्ड रोल इन मैनिपुलेटिंग द पोस्टमार्टम रिपोर्ट ऑफ मनसुख हिरेन। ब्रेकिंग न्यूज़ है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। NIA हैज ऑल्सो सस्पेक्टेड that the test was reported positive on the behest of Sachin Waze as well as other accused. The post-mortem report has played a crucial role in the case of Hiren's drowning death, and this report was tested positive, suggesting that there was some portion of the mud inside the Mansukh's lung where his body was found. ये खबर आ गई है और उसी के चलते ये ब्रेकिंग न्यूज आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। आप लोग देखिए आने वाले दिनों में कई ऐसे रिपोर्ट्स और डिटेल्स आएंगी रिलेटेड टू मनसुख हिरेन जो कि रिलेटेड टू सस्पिशंस रहेंगी, क्योंकि वजह है आप लोगों ने देखा कि किस तरह से रिपोर्ट्स में भी धांधलेबाजी की गई, और उसी के चलते अब ये खबर मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। तो आने वाले दिनों में बहुत कुछ हो सकता है। कई ऐसे और हॉस्पिटल्स हैं जिनकी पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में कई ऐसे सवालिया निशान थे, लेकिन देखना होगा कि NIA कब तक उन पर भी अपना हाथ डालेगी। तो फिलहाल एक खबर, कुछ और खबरों के साथ फिर जुड़ूंगा। धन्यवाद।